हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं हरशंकर यूट्यूब चैनल को। अगर मेरे दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जीविका से रिलेटेड मैं बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। रीजनिंग से मिलेगा, इसमें आप लोग को सामान्य ज्ञान से मिलेगा और आप लोग को गणित से भी मिलेगा और सोशल जीके से रिलेटेड भी आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग को मैं इस वीडियो में शॉर्टकट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन आप लोग वहाँ नंबरिंग में बोल दूंगा। एक नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? प्रेटर, अमर्त्य सेन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। महात्मा गांधी ने अनुसार निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राजनीतिक और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है, पारादीप है और हल्दिया। भारत के राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। और इधर है पहले अविवास प्रस्ताव और दूसरे अविवास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होता है? 6 महीना। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद ने दिए निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? 40वां। बाल बाल पाल तथा ताल अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। कटरीना का नाम दिया गया प्रभजन को। इस तरह आप जानते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन को हम बोलते रहेंगे तो काफ़ी भी समय आप लोग के लिए लग सकता है, क्योंकि बहुत ही इसमें से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन को बोलना उतना संभव नहीं है। लेकिन बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो लेके आते रहता हूँ। लेकिन पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहते हैं इस चीज़ को आप लोग जरूर देखें। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कौन कौन सी मुख्य है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोग उससे पहले देख लीजिए। आप लोग बोलिएगा कि मैं क्वेश्चन का पूरा जवाब नहीं दे रहा हूँ, पूरा जवाब दे रहा हूँ इसलिए आप लोगों को कराओ। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष, जो भारत के राष्ट्रपति के हित में नहीं है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होते रहता है? विभुतीय। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। चलते हैं अगला क्वेश्चन के आगे। और गणित का दिया हुआ ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम हुआ? 16.6%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग चाहते हैं तो इस चीज़ को जरूर आप लोग देखते रहें। कह रहा है कि दी गई श्रेणी में अगला अंक क्या होगा? श्रेणी 2, 3, 5, 9, 17। तो 17, 16, 17 दुना 34 होता है, लेकिन सिर्फ 16 तो 133 हुआ। इसके अंतर्गत इस प्रकार से बनाया था, लेकिन इस चीज़ को हल करना पड़ेगा आप लोग को। वहाँ पे मैं भी हल करके बताऊंगा, लेकिन तब तक अगर आप लोग समय देते हैं तो ज़रूर बताऊंगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं करा है, पूजा का जन्म दिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था। अगला दिन जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? शुक्रवार को। तो इसके हिसाब से आप लोग देख ही रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। आप लोग चाहते हैं पूरे क्वेश्चन बताएंगे तो पूरे क्वेश्चन में आप लोग को पता चल जाएगा कि कितनी समय लग सकता है, काफ़ी समय लग जाएगा आप लोग। तो आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में बताऊंगा। पहली संख्या का 38%, दूसरी संख्या का 52%। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। 26.19, 26:19। कह रहा है 3 वर्ष के बाद 10% प्रतिवार्षिक की दर से 12,000 रुपया का राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
कह रहा है 96,393 रुपया की राशि को 33 बच्चे में समापन बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे पे कितनी राशि मिलेगी, भागा देना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को मिल सकता है। ए ने घड़ी 190 रुपया में बेची, इस प्रकार से उसे 5% का घाटा हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या था? 200 रुपया, 5% उसे घाटा हुआ। इसके अंतर्गत आप लोग चाहते हैं, इस जरिए के अंतर्गत इसका रूट 1225 49 का वाट क्या होगा? 25 7 7 49, 25 25 625 हुआ, 35 35 आप लोग को हो जाएगा। देखिए हो सकता है तो मिलेगा, नहीं तो आप लोग को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 5 है, ये आंसर 5 लग रहा है, लेकिन है इसमें 5, देख लीजिए। इसके अंतर्गत आप लोग चाहते हैं कि जुड़े रहे तो देखते रहें, देखते रहिए। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है और यह 3 मिनट में कितने मीटर, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी? एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में क्या कहते हैं, ये 3600 किलोमीटर जाते हैं, यह 3 मिनट में कितनी मीटर चलेगी? कितनी मीटर 3 मिनट में? 1800 मीटर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो कि बाल विकास के अंतर्गत है, जो पी डेस्ट अभी तक आप लोग देख सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग चाहते हैं तो अभी भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग के अंतर्गत कौन सा जगह, कौन सा जहाँ पे स्थित है, ये भी इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते रहता हूँ। चलते हैं फिर इस क्वेश्चन के नेक्स्ट अंतर। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। अंतर्दर्शन विभिन्न विधि में क्या दोष है? मानसिक क्रियाओं के स्पष्ट एवं परिवर्तनशील होने से स्वयं अध्ययन में कठिनाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग काफ़ी बहुत बारीकी से देख चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग चाहते होंगे कि कभी से कभी क्वेश्चन हम कहीं से कहीं ले आते, लेकिन जहाँ जहाँ हमको अच्छा लगता है इस बुक का, वहाँ वहाँ आप लोग को हम बताते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहीं पे इस वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।